हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर वेल। मैं हूं नवनीत राय एंड आप देखना शुरू कर चुके हैं कैमरा हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी अल्फा 7 मार्क 3 के जो कस्टम बटन है उसको सेट करने के बारे में। जो भी हमारे पास कस्टम बटन इसमें दिया हुआ है उसको हम सेट करेंगे, जिससे कि हमें ईजी हो जाए जो भी हम शूट करना चाहते हैं। और ये कैमरा फोटो और वीडियो दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। जो आपका 2020 से अल्फा कैमरे, जो सोनी के अल्फा कैमरे हैं, ये काफ़ी टॉप पे चल रहे हैं फोटो और वीडियो दोनों के लिए। आप देख सकते हैं इसका फोटो भी काफ़ी लाजवाब है और वीडियो भी। तो हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टम बटन कैसे सेट करेंगे, और फोटो, वीडियो और प्लेबैक तीनों के लिए अलग अलग कस्टम बटन, सेम कस्टम बटन जो है वो अलग अलग सेट होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम चेक करेंगे, उसके बारे में हम पूरा पूरा समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या हमने सेट किया हुआ है, आपको क्या सेट करना है। उसके बाद आप अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसको आप करिएगा। वैसे मैं मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा सेट किया हुआ है, और अगर आप कुछ और सेट करते हैं तो आपने उसको क्यों सेट किया उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं, वो मैं उसको भी समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं और कस्टम बटन के बारे में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम मेनू बटन को दबा लेंगे। मेनू बटन दबाने के बाद हम जाएंगे जो कैमरे का जो सेकेंड मेनू है, कैमरे के सेकेंड मेनू में 9 पेजेज हैं। 9 पेजेज में से 8वें पेज पे हम जाएंगे। 8वें पेज पे आप जाके देखेंगे तो कस्टम की के 3 ऑप्शन दिखेंगे। कस्टम की जो फोटो का कस्टम की है वो अलग, वीडियो का कस्टम की अलग, और प्लेबैक का कस्टम की अलग। ठीक है, ये तीनों आप कस्टम की को चेक करेंगे, फिर उसमें सबसे पहले हम कस्टम की जो फोटो का कस्टम की है उसको सेट करते हैं। चलते हैं कस्टम की में। इसमें सबसे पहले पेज में इसमें 3 पेजेज हैं। फोटो का जो कस्टम की है उसमें चलते हैं। उसमें चलने के बाद हम चेक करते हैं, इसमें देखिए 3 पेजेज हैं। कस्टम की के अंदर भी 3 पेजेज हैं। ठीक है, 3 पेजेज में हमें सेट करना है। पहले पेज पर हम देखेंगे कंट्रोल व्हील जो है वो उसमें ISO सेट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल व्हील में ISO सेट करने से हमें क्या होगा कि हम 100 जैसे जो भी है वह 100 हम सेट कर सकते हैं ISO को। इसका कंट्रोल व्हील में सेट करने से हमें क्या होता है कि हम अपना डायरेक्ट ISO को यहीं से बदल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं जो जो भी है। कंट्रोल व्हील में करने से क्या होता है कि कंट्रोल व्हील हम जैसे ही हम पैन करेंगे वैसे एक बार में ही ISO बढ़ेगा और घटेगा, तो जिससे क्या होता है कि जो अपर्चर ट्रायंगल है उसको हम 100 हम सेट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये इसके लिए जो कंट्रोल व्हील है उसमें ISO सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं दूसरी सेटिंग में, कस्टम बटन 1। अभी इसमें इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कस्टम 1, कस्टम 2 और कस्टम 3, कस्टम 4, यहाँ पे 4 कस्टम के बटन अलग से दिया हुआ है उसको हम सेट करते हैं। तो कस्टम 1 पे क्या करना है हमें, कस्टम 1 पे हम करेंगे फोकस मैग्नीफायर। फोकस मैग्नीफायर करने से क्या हो जाएगा कि जो भी हम जब भी हम शूट करते हैं तो हम सामने जो जो भी होता है उनमें फोकस करने के लिए हम जो जो सब्जेक्ट है उसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, वो पास में आ जाता है, जिससे कि हम फोकस अच्छी तरह से उस पर करके फिर उसके बाद हम बैक कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ सेट कर लिया हमने कस्टम 1 में। अभी कस्टम 2 में हमें करना है फोकस सेटिंग। फोकस सेटिंग हम क्यों करते हैं वो भी हम दिखाते हैं आपको। फोकस सेटिंग जो है कस्टम 2 में, यहाँ पे कस्टम 2 है, कस्टम 2 में हमने फोकस सेटिंग के लिए सेट कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए ये कस्टम सेटिंग, इसमें जाने C2 में जाने के बाद हम यहाँ से व्हील घुमा के हम चेक कर सकते हैं वाइड है या फिर जोन है या फिर सेंटर है या फिर फ्लेक्सिबल स्पॉट है। इस तरह से आप जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ से फोकस सेटिंग में कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं मेनू में, कस्टम 3 में हम सेट करेंगे क्रिएटिव स्टाइल। क्रिएटिव स्टाइल में क्या होता है कि जब भी हम शूट कर रहे होते हैं उस समय हमें जो लट डालना होता है तो वो लट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, कस्टम 3 में देखिए पीपी ऑफ है, PP1, PP2, पिक्चर प्रोफाइल, जैसे यहाँ पे पिक्चर प्रोफाइल जो बोलते हैं वह पिक्चर प्रोफाइल को सेट करके, अलग अलग सेट करके उसके बाद यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं क्या रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं। तो मतलब ये क्या होता है, पहले ही हम इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद जो है उसको हम यहाँ से चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे वाले पोर्शन पे,
1, 2, 3 एंड 4। कस्टम 4 पे हम सेट करते हैं मॉनिटर ब्राइटनेस। कस्टम मॉनिटर ब्राइटनेस करने से क्या होता है कि जब भी हम कहीं पे भी शूट कर रहे हों, अगर हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो हमें मॉनिटर फुल ब्राइट चाहिए होता है, क्योंकि जो आउट पीछे से लाइट का सोर्स मिलता है हमें, उसमें हमें मॉनिटर दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पे हमें मॉनिटर का ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए होता है। और जब भी हम इंडोर शूट करते हैं तो मॉनिटर का ब्राइटनेस कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा तो हमें अपर्चर समझ में नहीं आएगा। मतलब हम मॉनिटर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ऑन ऑन द टाइम, मुझे कहीं और सेटिंग ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने एक बार में 4 नंबर कस्टम दबाया और वहाँ से मॉनिटर का ब्राइटनेस हम ऑपरेट कर लिए। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे देखिए, फोकस सबसे पहले मल्टी सिलेक्टर बटन जो है उसमें फोकस स्टैंडर्ड रखेंगे। फोकस स्टैंडर्ड रखने से जो भी हम देखिए, फोटो के लिए फोकस फोकस की प्रायोरिटी सबसे सबसे ऊपर है, वैसे वीडियो फोटो दोनों के लिए, तो हम इसमें रखेंगे फोकस स्टैंडर्ड। और सेकेंड पे हम जाएंगे, सेकेंड में सेंटर बटन है, सेंटर बटन को हम रखेंगे मीटरिंग मोड पे। और फिर लेफ्ट की बटन जो है, यहाँ जो व्हील है, व्हील के लेफ्ट साइड की जो बटन है उस पर हम करेंगे ड्राइव मोड। राइट की बटन पे हम रखेंगे आईएसओ, और डाउन की बटन पे हम रखेंगे वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम इंडोर या आउटडोर शूट करते हैं या फिर अलग अलग लाइटिंग पे शूट करते हैं, वहाँ पे हमारा वाइट बैलेंस हम अपने हिसाब से रखना चाहिए। ऑटो वाइट बैलेंस पे ये कलर को चेंज कर देता है। जैसे बाई चांस अगर हम क्रोमा पे शूट कर रहे हैं तो क्रोमा की लाइटिंग हमारा ये चेंज कर देगा, और क्रोमा पूरा पूरा क्रोमा ही का कलर ही चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने की वजह से हम चीज़ों को सही से सेट नहीं कर पाएंगे, क्रोमा को कट नहीं कर पाएंगे सही से, ठीक है। तो वहाँ पे भी वाइट बैलेंस ज़रूरी होता है। आउटडोर में वाइट बैलेंस हमें हमारे हिसाब से रखना चाहिए। डे लाइट का वाइट बैलेंस है, नाइट का वाइट बैलेंस है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वाइट बैलेंस पे जाने के बाद हम देखेंगे आपसे, ऑटो वाइट बैलेंस है, डे लाइट है, और सैड है, क्लाउडी है, इस तरह से आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से कस्टम वाइट बैलेंस भी सेट कर सकते हैं। कस्टम वाइट बैलेंस के लिए एक और सेटिंग है जो कि पूरा वीडियो हमारा बना हुआ है, आप यहाँ से आई बटन दबा के आप चेक कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि कहाँ से कस्टम वाइट बैलेंस आप कैसे सेट कर सकते हैं अलग अलग के लिए। देखिए यहाँ पे 3 कस्टम के लिए अलग अलग वाइट बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ से आप उसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से चलते हैं हम अपने मेनू में, 2 हो गया, और फिर 3 नंबर पेज पे जाते हैं। 3 नंबर पेज पे है AEL बटन। AEL बटन को हम रखेंगे, यहाँ पे AEL बटन है, इसको हम रखेंगे फेस आई प्रायोरिटी इन AF। जब भी हमारा ऑटो फोकस पे कैमरा हो तो उस समय हमारा फेस को डिटेक्ट कर सके या आँखों को डिटेक्ट कर सके हमारा फोकस, हमारा जो कैमरा है, उसके लिए हम फेस आई प्रायोरिटी इन AF कर देंगे। और फिर AF ऑन बटन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको AF ऑन पे रखेंगे। और फिर उसके बाद हम 3 नंबर पेज पे ये तीसरी जो सेटिंग है, फोकस होल्ड बटन पे हम कर देंगे फोकस मोड को सेट, ठीक है। ये हो गया हमारा फोटो के लिए कस्टम सेटिंग, जिससे कि आप पूरा फोटो अच्छी तरह से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वीडियो के लिए। वीडियो के लिए भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा है, हम वीडियो के लिए भी कस्टम की सेटिंग चेक कर लेते हैं यहाँ पे आके। अब जाएंगे हम वीडियो कस्टम की पे, ठीक है। वीडियो कस्टम की पे जाने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल व्हील पे हमें रखना है फॉलो टू कस्टमर, जो हमारा ये फोटो का जो कस्टम सेटअप किया हुआ है वो कई कई जगह पे वो भी रहेगा। हम इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें सेट करेंगे। कस्टम बटन 1 पे हम सेट करेंगे APS-C Super 35, जिससे कि हमें होता क्या है कि जब भी हम शूट कर रहे होते हैं उस समय हम अगर जब भी हम C1 बटन दबाएंगे तो ये तुरंत डबल जूम हो जाता है, जैसे कि इसका फुल सेंसर यूज करके ये डबल जूम हो जाता है। जैसे कि ये अगर हमारे पास ये जो लेंस है वो 2870 है, तो ये 2870 के जैसे अगर फुल जूम हम करने के बाद हम 70 पाते हैं, तो ये 70 के बजाय ये 140 तक जाएगा। 2870 का लेंस जो है ये ठीक उसका डबल हो जाएगा। जैसे कि अगर ये कहा जाए तो 56 to 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जब भी अगर चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ये हम बटन 1 पे करेंगे, उसके बाद हम बटन 3 पे कर लेंगे पिक्चर प्रोफाइल। पिक्चर प्रोफाइल यहाँ से जब भी हम बटन 3 दबाते हैं तो उसके बाद पिक्चर प्रोफाइल PP1 PP2 PP3 ऐसा जो सेटिंग है उसको हम जब चाहें तब उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लट होता है, लुकअप टेबल होता है, वैसे ये जो पिक्चर प्रोफाइल है वैसे ही हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जाते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे टोटल फॉलो कस्टम फोटो को कर लेंगे और उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं करना है। पेज नंबर 3 पे हम जब भी आते हैं तो
पेज नंबर 3 पे हमारे पास 3 सेटिंग है, जिसमें से कि हम दो कस्टम बटन को चेंज करेंगे, बाकी एक को कर देंगे फोटो से फॉलो। ठीक है, अभी AEL बटन जो है यहाँ पे हम करेंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग लेबल। ऑडियो रिकॉर्डिंग लेबल से क्या होता है कि जब भी हम शूट कर रहे होते हैं तो उस समय हम ऑडियो रिकॉर्डिंग लेबल यहाँ से ऑन करके और हम उसको अप डाउन कर सकते हैं। जब भी शूट करते टाइम यहाँ से देखिए ऑडियो रिकॉर्डिंग लेबल को ऑन कर सकते हैं, उसको यहाँ से लेफ्ट राइट करके अप सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम वापस चलते हैं कस्टम बटन पे पेज नंबर 3 पे, और पेज नंबर 3 पे आने के बाद जो सेकंड सेटिंग हम करेंगे यहाँ पे फोकस होल्ड बटन को, फोकस होल्ड बटन पे यहाँ पे करेंगे फेस आई प्रायोरिटी इन AF। जब भी हमारा फेस जब भी AF हो ऑटो मोड पे ऑटो फोकस मोड पे हो तो उस समय हमारा फेस और आई को प्रायोरिटी दे हमारा कैमरा। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको ऑन कर देंगे। और ये हो गई कस्टम बटन की इसके लिए सेटिंग वीडियो की। अभी हम प्लेबैक की भी कुछ सेटिंग देख लेते हैं। इसमें लगभग सामने से फॉलो ही होता है, कस्टम 3 पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कस्टम 4 पे जो है जो हमारा बटन है यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो यहाँ पे फंक्शन बटन दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन बटन दिया हुआ है, फंक्शन बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है एरो बटन दिया हुआ है, वैसे उस पर हम सेट कर देंगे सेंड टू स्मार्टफोन। जो हम हमारा फोटो है, फोटो हम जब भी हम चेक कर रहे होंगे तो उस समय हम यहाँ से इस बटन को दबा के हम सेंड टू स्मार्टफोन पे आ सकते हैं डायरेक्टली इन वन क्लिक। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम कस्टम सेटिंग 3 प्रकार की कस्टम सेटिंग के बारे में हमने बता दिया, एक फोटो के लिए कस्टम सेटिंग, एक वीडियो के लिए कस्टम सेटिंग, और तीसरा जो है वो प्लेबैक पे सर कस्टम सेटिंग। सेम बटन जो है वो अलग अलग मोड पे अलग अलग काम करती है, आप जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इस कस्टम बटन को सेट करिए और वीडियो कैसी लगी उसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट डालना पड़ता है, तो इसलिए आप एक आपका थम्सअप बनता है, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।